गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और आज जा रहे हैं हम खलिया टॉप। तो देख सकते हैं होटल से चेकआउट कर लिया है और अब जा रहे हैं खलिया टॉप के लिए। और पीछे व्यू भी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप बने रहिए, आज कुदरत के काफ़ी नज़ारे देखने वाले हैं। तो खलिया टॉप में तो वैसे 0 पॉइंट काफ़ी फेमस है, तो वहीं जाके कुछ बेहतरीन व्यू देखने का मौका मिलेगा आज हमें। खलिया टॉप गया हूँ पहले भी, परंतु आज एक और बार जाने का मौका, तो आप बने रहिए, काफी एडवेंचर ब्लॉक बाकी है। तो चलते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं दोनों भाई, तो उसके बाद चलेंगे खलिया टॉप। तो आज काफी ज्यादा चढ़ाई होने वाली है, क्यों? हाँ, होगी। सामान वामान लेके चलेंगे यहाँ से, ग्लूकोज ग्लूकोज लेके चलते हैं। बिल्कुल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाएगा क्या पता जिम से। बिल्कुल, ये तो इनको तो काफी ट्रैकिंग का अनुभव है, तो इनको तो मेरे को लगता नहीं है ज्यादा कुछ हमने दिक्कत बहुत होगी। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी है ऑफिस में, हाँ, बहुत इन्होंने घाट घाट का सीढ़ियाँ पानी पिया है, इन्होंने इन्होंने 36 घाटों का पानी पिया है। क्यों क्यों? चढ़ी। और हम अभी नौसिखिए हैं, तो इनके साथ कुछ अनुभव लेंगे आज हम। इनको आज हम ट्रैकिंग बताएंगे कैसे होती है, कैसे बिल्कुल ट्रैक करते हैं, चलो। चलते कैसे, दो पाँव से ना चलते कैसे बताएं। और ये हमारे हैं दादा, ये टीवी कल यहीं पे मैच देख रहे थे, और ये भाभी माँ है, एंड शी इज मेकिंग आलू का परांठा। देखिए और भी पराठे भी है, आलू का ही, आलू का ही मांग वाले, मांग की पहाड़ी सब्जी है, ये पहाड़ी सब्जी है। और ये पराठे बना रही है दीदी, पराठा बना रही है। और इसमें इसमें नॉन वेज, नॉन वेज की तैयारी करते हैं तो देख सकते हैं आप कितने मेहनती हैं ये दादा और ये भाभी माँ। सुबह से लग जाते हैं, सुबह 5 बजे आने वाले हुए ये। और ये निगीदा का होटल है जस्ट चौराहे में, आप थाना रोड से अगर नीचे को आएंगे तो ये चौराहे में है निगीदा का होटल मुंशियारी में। तो कभी भी आते हैं, इनके हाथों का स्वादिष्ट खाना जरूर खाइए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और कह सकते हैं ना कि एक तरह से जैसे देवताओं ने अमृत पिया था, तो इनका खाना भी हमारे लिए एक अमृत ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये नेगीदा और ये भाभी माँ को। नेगी भोजनालय शास्त्री चौक में है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये ऊपर थाना थल रोड, और ये नीचे स्टेट बैंक के लिए, और ये कितना क्यूट बच्चा है, वाह। अपन लोग अभी जा रहे हैं नीचे एटीएम पे थोड़े कैश निकालने के लिए, क्योंकि इस समय अपने पास कैश बिल्कुल ख़त्म है। तो कैश तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है अपने पे, तो चल रहे हैं एटीएम में, वहाँ पे कुछ कैश निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल के लिए आपको कहीं भी जाना है या कुछ भी खाना है, उसके लिए यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत कम जगह है, ज़्यादातर कैश ही चलता है। तो कैश निकालते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अपन ना पहुँच गए हैं स्टेट बैंक के एटीएम में मुंशारी, और यहाँ से कैश निकालते हैं। तो अपन लोग ने कैश निकाल लिया है, और अब खड़ी चढ़ाई है ऊपर जाने की, तो ऊपर चलते हैं। उसके बाद टैक्सी से जाते हैं या पैदल जाते हैं वो देखते हैं क्या करना आ जाए। आशीष भाई भी थक रहे हैं थोड़े, चलो चलो चलते हैं, पर धूप बड़ी मस्त है। उफ, तो अभी हम मौजूद हैं मुंशारी बाज़ार में, और यहाँ पे नीलम ग्लेशियर ट्रैकिंग मैप दिखाया गया है, जिसमें कि मुंशारी से 15 किलोमीटर की दूरी है नीलम तक की, और वहाँ से फिर आपको आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। टैक्सी जाती है नीलम तक, और उसके बाद आपका पैदल डिस्टेंस है। ये देखिए कितना सुंदर मैप दिखा रखा है, यहाँ पे नीलम ग्लेशियर का ट्रैकिंग मैप है ये, और मुंशारी बाज़ार नीचे है, और ऊपर को जा रहा है रास्ता खलिया टॉप के लिए। और यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, जो कि खलिया टॉप की है। आप देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है, और ऊपर से धूप की किरणें एकदम फ्रेश आपने शरीर में पड़ रही है। और ये लोगों ने कुछ लकड़ियाँ भी रख रखी थी जलाने के लिए, सर्दियों में बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी।
और अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। ये जंगलात वाला एरिया है, आप देख सकते हैं ये घने घने वृक्ष हैं देवदार के, और सारे ही देवदार के हैं। अभी तो चीड़ का एक भी वृक्ष नहीं है, ठंडा इसलिए मौसम रहता है यहाँ पे। मुश्किल ट्रैक एकदम, देखिए ये देखिए पानी फट रहा है इधर, बहुत मुश्किल है ये देखिए। सबकी अपनी मंजिलें थी, सबके अपने रास्ते, एक आवारा फिरे हम दर बदर सबसे अलग। मजबूरिया साहब जो अपने गांव घर से दूर है, वरना पता तो उन्हें भी है, असल में सुख शांति अपने पहाड़ में ही है। हाँ तो हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है, और खलिया टॉप का जो द्वार है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कुदरत के और कुछ करिश्मे दिखाएंगे आपको। और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत।